पार्लर जहाँ पे उल्टा सीधा काम होता है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये एक मसाज पार्लर है जहाँ पे वो सब होता है घूम घूम, जिसके लिए ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, अंदर तो आप लोग ऐसे भी जाके घूम के आ सकते हो, लेकिन वीडियो करना मना है, इसीलिए मैं अंदर जा ही नहीं रहा हूँ। और अगर आप लोग आए तो अंदर जाके ज़रूर घूम के आना, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि अंदर जाने से आप लोगों को मसाज लेना ही पड़ेगा। आप लोग अंदर जाके देख के आ सकते हो कैसा है अंदर, कैसे करके ये लोग मॉडल्स बैठा के रखते हैं, और आप लोग सिलेक्ट करके उसके बाद पेमेंट करके मसाज लेने जाओगे ऊपर, ऐसा है। आप लोग मेरे पीछे ये जो देख रहे हो, इसका नाम है सबाई दे, यहाँ पे ये सोफी मसाज, बॉडी टू बॉडी मसाज ये सब होता है, और इसी के लिए सबको याद है। ये जगह मेनली आप लोगों को, किसी को भी अगर पूछोगे कि हनी टू मसाज के उधर जाओ जाना चाहता हूँ, तो आप लोगों को लेके आएगा। आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हो, और आगे है हनी टू, मैं आप लोगों को वो भी दिखा रहा हूँ। चलो देख सकते हो हनी टू का जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड और ये बिल्डिंग है हनी टू, आगे से दिखा रहा हूँ, देख लो। और इसी के देखो लोग देख लिया, ये हनी टू मसाज पार्लर, यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हो। ये यहाँ पे उतना स्कैम नहीं होता है, जिन लोगों ने गया है बोला कि जो समय दे है, पहले जो मैंने दिखाया उसमें बहुत सारे स्कैम्स होता है, लेकिन यहाँ पे स्कैम नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और इसी में रिपोर्टेशन के लिए ये लोग स्कैम नहीं करते उतना, लेकिन जो सबाई जो है उसमें स्कैम होता है। तो आप लोग यहाँ पे भी आके अंदर जाके घूम के देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। और इसी का पास है जो रोड गया है, वो जो है बीच पता है, जो बीच है उनसे अगर 100-150 मीटर पैदल चलोगे तो पहुँच जाओगे पटाया बीच में मेरे पीछे। चलो मैं और भी जगह आप लोगों को दिखाता हूँ, देखते रहो वीडियो को। देखा है यहाँ पे गंजा का दुकान है जहाँ पे वीड मिल रहा है, ये देखो। यहाँ पे भी मिलता है वीट, और थाईलैंड में वीट एकदम लीगल है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आके अगर कोई लेना चाहते हो तो ले, मतलब मगर मैं बोलूँगा कि ये सब मत करो बाहर आके, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो प्रॉब्लम में आप लोग भी फंस सकते हो, इसीलिए ये सब कुछ भी मत करो, आके ऐसे देख सकते हो यहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ये वीट पीते हो, वीट पीने के बाद कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो प्रॉब्लम में आप ही फंसोगे, इसीलिए ये ऐसा मत करो। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे आउटलेट आप लोगों को मिल जाएगी जहाँ पे वीट मिलता है,
देख सकते हो, लेकिन मत पियो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे है स्टिकनी शो, ये है थिएटर। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये स्टिकनी शो जो थिएटर है, टिफनी शो थिएटर। और यहाँ पे जो लेडी बॉय है, लेडी बॉय लोग यहाँ पे शो करते हैं। आप लोग भी आके यहाँ पे देख सकते हो। मैं शो का टाइमिंग और शो का प्राइस क्या है मैं दिखा रहा हूँ आप लोग। देखिए यहाँ पे डेली 3 शो होता है और शो का मिनिमम टिकट का प्राइस है 1000 baht, जो कि लगभग 2500 INR है। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वो भी मिनिमम शो का टिकट का प्राइस है 1000 baht। और जो सामने आगे की तरफ जो सीट है, उन सब का टिकट तो आप लोग देख लिया। डायमंड का कितना था, 2200 ऐसा कुछ था, या फिर 2600 ऐसा ही कुछ था। आप लोग आके देख सकते हो यहाँ पे, अगर देखना चाहते हो तो। और देखो पास में ही टर्मिनल 21 जो मॉल है वो दिख रहा है, वो पास में ही है। टर्मिनल 21 के अंदर जो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में आप लोगों को बहुत ही सस्ता में खाने को मिलेगा। या तो फिर अगर कोई रेस्टोरेंट में आप लोग खाओगे तो रेस्टोरेंट का जो फूड का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये टर्मिनल 21 का जो प्राइस है बहुत ही सस्ता है। आप लोग अंदर जाकर देख सकते हो, पर मील आप लोगों को विद इन 25 to 50 में मिलेगा, लेकिन बाहर अगर आप लोग खाओ कहीं भी खाओगे तो लगभग 100 baht पर मील मिनिमम, उससे ऊपर भी जा सकता है। देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी सर्विस भी है, जो कि एलिफेंट बस टूर के तरफ से है। आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। और ये जो बस का टिकट है, बस का टिकट कितना है अभी मैं चेक करके बताऊंगा। और ये बस का टिकट का वैलिडिटी है 24 आवर्स, मतलब आज अगर दोपहर को आप देखते हो तो कल दोपहर तक वैलिडिटी है, आप घूम सकते हो इस बस में। मैं पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो वीडियो को। यहाँ पे देखिए जो हॉप ऑन हॉप अप बस है, हॉप अप बस में आप लोग पूरा जो पटाया है पटाया घूम सकते हो। अगर अकेले आते हो तो फिर 600 baht फॉर 48 आवर्स है, तो बहुत ही चीप है अगर आप लोग कंपेयर करें किसी। अगर कैब में अगर घूमते हो तो फिर लगभग 2000 baht लग जाता है एक कैब के लिए, तो 600 baht क्वाइट लेस है, तो ले सकते हो। और जो डिटेल्स, जो ऑनलाइन जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
आपको देख लीजिए उधर। मेरे पीछे आप लोग जो देख सकते हो पीर 21, ये आके आप लोग खाना खा सकते हो, बहुत ही सस्ता है। आप लोग खाना खा सकते हो, खाना बहुत तरह का खाना यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर टर्मिनल 21 में आते हो तो फिर पीर 21 से खाना ज़रूर खाना। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, बाकी सब नॉन वेज है, लेकिन सस्ता है। तो चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया और अभी दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा दूसरा कौन सा जगह मैं आज जाऊंगा और दूसरा वीडियो में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। और अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आंसर दे दूँगा। तो चलो तब तक के लिए टाटा।